हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे। 2D एरे का क्वेश्चन है कि हमें एक एरे इनपुट में लेना है, ठीक है, और उसके बाद हमें उसमें क्या करना है, जो उसके कॉर्नर के एलिमेंट हैं उनका सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ 2D एरे ऑफ साइज 3x4। एक 2D एरे 3x4 साइज का लेना है, तीन रो होंगी, चार उसमें कॉलम होंगी। प्रिंट द सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट ऑफ द एरे, और बोला है हमें कि सम निकालना है कॉर्नर एलिमेंट का। कॉर्नर एलिमेंट मतलब जो कोने में एलिमेंट होगा। जैसे मान लो एक मैं कोई तुम्हें 3x4 का एक टेबल बना के यहाँ दिखाता हूँ, तो तीन रो मेरी हैं और बोला है कि चार कॉलम होंगे उसमें। तो ये रहा जैसे एक टेबल, इसमें तीन रो हैं और चार कॉलम हैं, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट हैं फॉर एग्जाम्पल 10 है, 20 है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, ठीक है ना। यहाँ 120 में एग्जाम्पल के लिए ये ले रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि हमें कॉर्नर एलिमेंट का सम निकालना है। तो कॉर्नर एलिमेंट का सम का मतलब कि जो ये वाला है मेरा, जैसे मेरा ये वाला है स्टार्टिंग वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया 40, और एक हो गया मेरा 90। तो ये जो चार मेरे हैं एलिमेंट, इनका मुझे सम निकाल के प्रिंट करना है आखिरी में कि सम इक्वल टू जो भी है। तो इस ये करने को मैं बोला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इम्पोर्ट कर रखा है स्कैनर क्लास को, एक क्लास बना रखी है कॉर्नर एलिमेंट करके। मेन मेथड के अंदर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इनपुट लेने में हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले मुझे बोला था 2D एरे लेना है, तो इंट ए 2D एरे बना दिया इक्वल टू न्यू इंट, साइज बोला था हमें 3x4 साइज का, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करके साथ साथ देखते हुए भी चलना। 3x4 साइज का बोला था, तीन रो होंगी और चार कॉलम होगी। तो कुछ इस प्रकार का 3x4, तीन रो चार कॉलम वाला मेरा एरे डिक्लेयर हुआ है। अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी हमने एलिमेंट नहीं लिए इनपुट में, सिर्फ हमने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो उसमें होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का हमारे हमने ये एक अपना क्या बोलते हैं एरे बना रखा है। अब हमें एलिमेंट इसमें यूज़र से इनपुट लेने हैं, तो पहले एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, जब मैंने लिखा एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, तो अब यूज़र एलिमेंट इसमें इनपुट करेगा, तो मैं उनको लेने के लिए कुछ इसमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो एलिमेंट जब मुझे 2D एरे में लेने हैं, तो मुझे इसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ता है, वो भी दो फॉर लूप। तो फॉर दो फॉर लूप लगेंगे, तो एक हो गया इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, ये पहला वाला लगता है रो के लिए, आई लेस देन रो कितनी बोली है वहाँ 3, तो लेस देन 3 चलेगा, ठीक है। आई प्लस प्लस जितनी तुम्हें बोली रहेगी लेस देन उतना ही चलाएंगे। ऐसे ही अगला लूप है, तो इस बार जे ले लूँगा, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4 और जे प्लस प्लस, ठीक। दो लूप हमने लगा दिए, हमने बोला एलिमेंट एंटर करो। अब वो एंटर करेगा, तो उसको लेने के लिए हमें यहाँ पर एरे लिखना पड़ेगा कि जिस एरे में हमें लेने हैं। तो मेरे को ए एरे में लेने हैं, कहाँ पर, ए में पहला बताता है जो पहली वैल्यू हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं वो होती है रो। तो रो मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ और कॉलम को मैं जे से डिनोट कर रहा हूँ। तो ए के आई वाली रो पे और जे वाली कॉलम पे वैल्यू दो। वैल्यू किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करेंगे इंटीजर को इनपुट लेने में। देखो, अगर ये तुम्हें मेथड नहीं पता है जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट इंट और ये सब, तो मैंने बिगिनर के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 3-4 वीडियो उनको देख लेना, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे और कोई भी प्रोग्राम तुम मेरे साथ आराम से बना पाओगे। तो उस वीडियो को मैं आई बटन पे लगा दूंगा, देख लेना, उसमें 3-4 वीडियो हैं बस। तो ये होने के बाद एक बार जब हमने ये देख लिया कि भाई हम एरे में इनपुट ले रहे हैं एलिमेंट, एलिमेंट भरने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब उसके जो चार कोनों वाले एलिमेंट हैं उनको सम निकालना है पहले, फिर उनको सम को प्रिंट करना है। उससे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं अपने जो एरे है उस ओरिजिनल एरे को डिस्प्ले कर दूँगा। तो कुछ नहीं करना, उसके लिए हमें सेम फॉर लूप फिर से लगाना पड़ेगा। देखो, डिस्प्ले करना है तो फिर से दो फॉर लूप लगेंगे। याद रखना एक चीज़, इनपुट लेने के लिए भी दो फॉर लूप लगेंगे और आउटपुट दिखाने के लिए भी दो फॉर लूप ही लगेंगे अगर हमारा 2D एरे है। तो यह मैंने प्रिंट करके लिख दिया ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, जब डिस्प्ले करेंगे तो इस लाइन को हटा देंगे यहाँ पर से, और यहाँ पर आएगा हमारा जो एरे का नाम है वो। एरे का नाम क्या है मेरे, एरे का नाम है मेरा ए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ए लिखूँगा, और ए का कौन सा रो कौन सा कॉलम, तो आई रो और जे कॉलम। तो बारी बारी लूप चलेगा अपने आप, ऑटोमेटिकली उसके आई और जे में जो भी वैल्यू आएगी उनको प्रिंट करता हुआ जाएगा। तो एक सीक्वेंस में प्रिंट होगा। अब याद रखना, यहाँ पर मैंने और वीडियो में भी बता रखा जो एरे की है, तुम यहाँ पर एक स्पेस दे देना हर एलिमेंट के बाद, और यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट ln एक लूप के बाद आता है, वो
एंटर का काम करता है, तो वो इसके बाद हम देंगे, वो एंटर का काम करता है, जब एक रो प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद एंटर मार के हम अगली रो में आ जाएंगे, अगली रो को प्रिंट करने के लिए। तो इस तरीके से ये तो सिर्फ हमें डिस्प्ले करने का लॉजिक है इतना, तो इसको याद रखना, जब भी तुम्हें बोला रहा है कि एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करो, तो इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म। अब उसके बाद जब ये हो गया काम, अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है कॉर्नर के एलिमेंट का। अब देखो बहुत कॉमन सी चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा ही देना है तुमने, बाकी उसमें और कुछ है भी नहीं। जैसे मेरा ये है पहला वाला, तो उसमें मुझे ये बताओ तुम, जो इसका इंडेक्स है वो क्या होगा, जो मेरा पहला एलिमेंट है ना उसके अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स क्या होगा, 0,0। हमें पता है भाई पहला एलिमेंट जो होता है उसका इंडेक्स होता है 0,0, ठीक है। अभी जो ये वाला है इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका क्या होगा इंडेक्स, मेरी कौन सी है ये रो, मेरी ये पहली रो है तो पहली वाली का 0 होता है, ठीक है ना, पहली रो को 0 से डिनोट करते हैं। कॉलम कौन सी मेरी है, मेरी कॉलम कौन सी है, चौथी कॉलम है ना, वैसे तो चौथी कॉलम है पर अगर इंडेक्स की बात करूँ तो कौन सा होगा, 3 होगा इंडेक्स, क्योंकि हम काउंटिंग 0 से शुरू करते हैं, तो इसको कॉलम 0 बोल देंगे, इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3, या कॉलम 3 बोल लो, चलो हम 0 से मानते हैं स्टार्टिंग, तो 0 से हमारी पहली कॉलम 0 होगी, फिर कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, तो इसका 0,3 हो गया। इस वाली का इंडेक्स बोलूँ अगर तो क्या होगा, रो कौन सी है मेरी, सबसे पहले रो आएगी तो रो कौन सी मेरी, ये रो 0, ये 1, ये रो 2, तो ये हो गया 2, कॉलम कौन सी, कॉलम मेरी 0 है तो 0। अब ऐसे ही आखिरी वाले का बोले, अगर देखो अगर किसी को डाउट हो रहा है कि हम इंडेक्स किस तरीके से निकाल रहे हैं, तो मेरे जो एरे बेसिक्स वाली मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है उसमें जाके देख लेना, ये मैंने सब डिटेल में समझाया हुआ वहाँ पर, एक दो वीडियो में है पूरा क्लियर, कैसे तुम इंडेक्स पता करना है, कैसे तुम पता करोगे कौन सी रो है कौन सी कॉलम है, तो वहाँ देख लेना एक बार, पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लो उसके बाद देख लेना अगर यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो। अब आखिरी एलिमेंट है तो मेरी कौन सी रो है, ये वाली रो 0 है, ये वाली रो 1 है, ये वाली रो 2 है, तो यहाँ 2 आएगा, और कॉलम की बात करूँ तो कौन सी, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो 3, तो मुझे इंडेक्स मिल गए। और याद रखना एक चीज़, जब भी एरे का प्रोग्राम करते हैं ना तो हमारे लिए इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है, एलिमेंट नहीं होता, हम इंडेक्स एलिमेंट के बारे में पता कर सकते हैं बहुत कुछ, तो हम इंडेक्स पे ध्यान देंगे। तो मुझे बोला था कॉर्नर के एलिमेंट का सब निकालना है, तो कॉर्नर के एलिमेंट को लेने के लिए मुझे उनके इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इंडेक्स क्या है मेरे पास कॉर्नर के एलिमेंट का, 0,0,0,3, 2,0,2,3। तो मुझे करना क्या है, तो मैं पहले यहाँ लाइन लिख दूंगा, चलो पहले हम सम निकाल लेते, तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे ऊपर यहाँ पर, इंट सम, ठीक है, इंट सम। ये क्यों बनाया, ये सम स्टोर करने के लिए, किसका, अपने एरे के कॉर्नर के एलिमेंट का। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सम इक्वल टू जो कोने के 4 एलिमेंट हैं उनको ऐड करना है, वो कौन से हैं, एक तो है ए, चलो तुम बताओगे मेरे को, पहले मैं चारों को लिख देता हूँ। तो पहला वाला है ए, रो है 0 और कॉलम भी है 0, ठीक है, ऐसी अगला वाला है कौन सा है, दूसरा कॉर्नर का है, रो 0 है, कॉलम 3 है, रो 0 है, कॉलम 3 है, तीसरा वाला है वो 2 है और कॉलम 0 है, रो 2 है, कॉलम 0 है, और आखिरी वाला है वो 2 है और वो 3 है, रो 2 है और कॉलम 3 है। तो ये करना है मुझे, अपने चारों एलिमेंट जो मेरे हैं वो इनके अंदर छुपे हुए हैं, हमने उनको निकाल लिया बाहर, कि भाई एरे का 0,0 वाला जो एलिमेंट है उसमें एरे का जो 0,3 वाला एलिमेंट है उसको ऐड करो, फिर उसमें जो 2,0 वाला एलिमेंट है उसको ऐड करो, और आखिरी में 2,3 वाला एलिमेंट ऐड करो, और ये कौन से, चारों कोनों के एलिमेंट हैं। तो जब ये आपस में ऐड हो जाएंगे उनका सम मेरे सम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो आखिरी में बस एक लाइन लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे बताओ, अब हमें सम प्रिंट करना है ना, तो वही लिखूंगा मैं यहाँ पर कि सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट इक्वल टू, सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा सम बताओ, कौन सी वेरिएबल में, सम नाम के ना, तो प्लस करके सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक बात सुनो मेरी, ये क्वेश्चन में अभी तो मैं दे रखा था कि 3 और 4 साइज का एरर है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आर और सी, रो और कॉलम आर और सी, तुम यूज़र से इनपुट मिलो, हमें नहीं पता कितने साइज़ का एरे है, तब कैसे करोगे। अभी तो मैंने यहाँ पर सीधा इंडेक्स दे दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई 3 और 4 साइज़ का अगर एरे बनाऊंगा तो उसका पहला एलिमेंट 0,0 पे होगा, दूसरा जो कॉर्नर का है वो 0,3 पे होगा, ये तो हमने देख लिया ना। ऐसे तुम पे अगर आर और सी करके रो और कॉलम की वैल्यू यूज़र से इनपुट में लेनी है,
तो वो एरे तो कितना बड़ा भी हो सकता है ना, वो 3x4 का भी हो सकता है, वो 5x4 का भी हो सकता है, वो 10x11 का भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तब कैसे निकालोगे कॉर्नर एलिमेंट का सम, क्या करोगे? तो वो तुम सोच के मुझे कमेंट में बताना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और आ सकता है तो तुम क्या लॉजिक लगाओगे, ठीक है? तो देखता हूँ मैं कौन बच्चा उसका सही आंसर बताता है। तो फिलहाल मुझे ये बताओ, ये वाला समझ में आ गया ना? एक बार इसको रन करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। तो बोला एंटर एलिमेंट इन द एरे, तो वही दे देते हैं 10, 100, 110, 120। तो बोल रहा है ओरिजिनल एरे मैट्रिक्स फॉर्म में ये रहा। अब कॉर्नर के एलिमेंट का सम 260 बता रहा है, ऐड करके देख लेते हैं। 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 90 कितना हुआ 140, 140 प्लस 120, 140 प्लस 120 260, ठीक है? तो सही आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है? समझ में आ गया ना किस तरीके से हम कॉर्नर के एलिमेंट का सम निकाल रहे हैं। अब ये तो था हमारा 3x4 का, अब तुम ट्राई करके देखो कि हमें अगर एरे का साइज यूज़र इनपुट में देता है तो हम कैसे उसमें कॉर्नर के एलिमेंट का सम निकालेंगे, ठीक है? ये इसका कोड है, इसको देख लो एक बार, ठीक है? तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया है। अब तुमने सोचना है कि तुम उस वाले को कैसे बनाओगे। वीडियो में इतना था, देखो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना कैसी लगी है। जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।